जो 17 महीने मनीष सिसोदिया की जिंदगी के बर्बाद हुए उसका हिसाब क्या देश के प्रधानमंत्री देंगे? बीजेपी के लोगों का मकसद सिर्फ एक है, विपक्ष के नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डालो। मनीष सिसोदिया के घर से एक रुपए बरामद नहीं हुआ था, उनके कोई प्रॉपर्टी नहीं मिली, कोई गहना नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, आपने 17 महीने जेल में रखा। देश की राजधानी दिल्ली में सियासी पारा एक बार फिर से चढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है। सीबीआई और ईडी दोनों ही मामलों में कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत दे दी है। सिसोदिया पिछले 17 महीनों से जेल में बंद थे। कोर्ट ने इस बात पर गौर किया है कि मुकदमे की सुनवाई अभी शुरू भी नहीं हुई है, ऐसे में इतने लंबे समय तक जेल में रखना उचित नहीं है। हालांकि कोर्ट ने सिसोदिया पर कुछ शर्तें भी लगाई हैं, जिसमें उनका पासपोर्ट जमा करना और गवाहों को प्रभावित ना करने की बात शामिल है। आपने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे केंद्र सरकार की राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई करार दिया है। पार्टी का आरोप है कि सिसोदिया को झूठे आरोपों में फंसाया गया है। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने इस मामले में कानून के अनुसार कार्रवाई करने की बात कही है। देखिए, ये बहुत बड़ी राहत है आम आदमी पार्टी के लिए भी, दिल्ली के लोगों के लिए भी, एक एक कार्यकर्ता के लिए, और ख़ास तौर से अरविंद केजरीवाल और सत्येन जैन जी के लिए भी। अब न्याय का रास्ता जल्द ही खुलेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। जो 17 महीने मनीष सिसोदिया की जिंदगी के बर्बाद हुए उसका हिसाब क्या देश के प्रधानमंत्री देंगे? जो 17 महीने दिल्ली के बच्चों के बर्बाद हुए, एक योग्य शिक्षा मंत्री के रूप में जो सेवाएं मनीष सिसोदिया दिल्ली के लोगों को दे सकते थे, उसका हिसाब कौन देगा? आज मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आपका मकसद, बीजेपी के लोगों का मकसद सिर्फ एक है, विपक्ष के नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डालो। मनीष सिसोदिया के घर से एक रुपये बरामद नहीं हुआ था, उनके कोई प्रॉपर्टी नहीं मिली, कोई गहना नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, आपने 17 महीने जेल में रखा। और ईडी हमेशा तारीख पे तारीख लेती रही, समय मांगती रही, मामले को टरकाती रही। आज उन सब चीज़ों पे विराम लगा है और सिसोदिया जी बाहर आएंगे निकलकर, बहुत बड़ी खबर है हम सबके लिए। सुप्रीम कोर्ट हैज टुडे पास्ड अ हिस्टोरिक जजमेंट। इट इज हिस्टोरिक इन सो मेनी सेंसेस बिकॉज फर्स्ट टाइम द सुप्रीम कोर्ट हैज कम आउट वेरी वेरी वाइडली एंड सेड that in, even if it is PMLA, even it is Section 45, it doesn't matter if it's a prolonged incarceration and there's a delay of trial, you have to release a person out on bail. And it has also advisedly made observations for trial courts and high courts to consider these pleas of accused persons who've been inside for long and the delay has not been proceeding. In all these cases, Supreme Court had said that they should consider prolonged incarceration and release people. Supreme Court has also said that Manish Sisodia has not delayed the trial. All his applications which were moved during the period of 17 months were valid, and it is only CBI and ED which has delayed the investigation. And if the investigation itself is delayed, how can the conclusion of trial be reached? Sir, Supreme Court has imposed every condition on Sisodia. Can you tell me something about it? No, these are normal bail conditions which you would find in every bail order. One of the conditions is that he has to surrender passport. Every person who gets bail these days has to surrender his passport. The second condition was to go before the IO every Monday and Thursday. That is a normal application, normal condition which can be imposed in any bail order. So that's nothing much into it.